subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंची। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के नजरिए से उनकी ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हसीना भारत में अपने दौरे के पहले दिन नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। वहां 40 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। 4 दिनों तक वह भारत में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होगी। भारत और बांग्लादेश में पिछले दिनों हुए चुनावों के बाद शेख हसीना की ये पहली भारत यात्रा है। कल उनकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा। अब आइए जरा जान लें कि इस दौरान दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनेगी। हसीना की यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों और तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री साथ साथ वीडियो लिंक के माध्यम से द्विपक्षीय परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के कनेक्टिविटी, संस्कृति, तकनीकी सहयोग और व्यापार, निवेश सहित कई समझौतों पर मुहर लग सकती है। वैसे तो कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के आपसी संबंध कभी खराब नहीं हुए, लेकिन पिछले दिनों कई मुद्दों को लेकर खींचातानी जरूर रही है। आपको बता दें, इससे पहले 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पीएम मोदी और शेख हसीना की मुलाकात हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ घंटों बातचीत की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि शेख हसीना और पीएम मोदी अपनी इस मुलाकात के जरिए एक बार फिर दोनों देशों के संबंध को और मजबूत करने पर जोर देंगे। टीम खबर अपडेट।